हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग विद अंशुमत लखा। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है वेट लॉस ओट्स चीला। ओट्स का आटा बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, हाउ टू मेक ओट्स फ्लावर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चीला बनाने के लिए मैंने एक कप ओट्स आटा लिया है, एक कैरेट ग्रेटेड, 1 मीडियम साइज का अनियन, चॉप कोरिएंडर लीव्स, टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, ग्रीन चिली चॉप्ड, मिक्स इट ऑल वेरी वेल। एड स्पाइसेस, सॉल्ट स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची, हरा धनिया, अजवाइन, चाट मसाला और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे। आई विल टेल यू अ टिप, अब इसमें बैचेस में पानी करें ताकि इसमें लम्ब्स ना बने। जैसे हम बेसन को खोलते हैं पकौड़ों के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम इसको खोलेंगे। इसके अंदर लगभग मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है, लेकिन बैचेस में, तभी इसमें कोई लंप नहीं बना, एक स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ। स्टेज पे इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर कुछ और स्पाइस ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया वेट लॉस चीला बनता है। अगर आप इसको पहले बना के रख देते हैं तो ये थिक हो जाएगा। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला कर लीजिए और पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। फिर आप इसको तवे के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे पूरा इसको फैला दीजिए अच्छे से, धीरे धीरे करछी की मदद से आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और जब तक ये ऊपर से पूरा ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे। देखिए ये पूरा ड्राई हो रहा है और हम इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। अब देखिए इसने तवा भी छोड़ दिया है, अब हम इसको फ्लिप करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसको बड़े ध्यान से फ्लिप कीजिएगा। और अब हमने इसको क्रिस्पी होने तक कुक करना है दोनों साइड से। इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। ये एकदम मस्त चीला है वेट लॉस के लिए। जिनको भी पतले होना है वो उसे खा सकते हैं, जितना मर्जी खाएं वो मोटे नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है ये लो इन कैलोरीज, आप इसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं। रिच इन फाइबर प्रोटीन, फुल ऑफ मैग्नीशियम पोटेशियम, ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी ऑप्शन है खाने का। इसलिए अवेलेबल है मार्केट में, इनएक्सपेंसिव है, हार्ट को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और शुगर को स्टेबलाइज करता है। तो आप इसको ज़रूर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। इट्स वेरी इजी टू मेक दिस। आप देखिए ये पूरा कितना बढ़िया फ्लिप करते करते सारा कुक हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन। इट्स अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीट फॉर डायबिटिक पीपल ऑल्सो। इट इज़ वेरी गुड, इट डज वंडर्स टू योर बॉडी इफ़ यू स्टार्ट ईटिंग ओट्स एवरी डे। ये देखिए कितना मस्त चीला हमारा बन चुका है। अब हम आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट चीला हम बनाएंगे विद लिटिल ऑयल। ऐसे ही हमने दूसरा चीला तैयार कर लिया है, इसको हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेंगे। और मैंने इसको थोड़ा और हेल्दी बनाया है देसी घी की ब्रशिंग करके। नॉट इवन हाफ टी स्पून मैंने इस ब्रश पे थोड़ा सा लगाकर ऐसे इसकी ब्रशिंग की है। और आप भी इसके ऊपर अपनी मनपसंद का घी, ऑयल कुछ भी लगा कर और इसको क्रिस्पी किया है, आप भी इसे ऐसे करके खा सकते हैं। ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करके इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं। सो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसको हमने सर्व कराया है दही के साथ और ये इन हाउस बना हुआ करेले का अचार है। इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ये भी बहुत हेल्दी है। सो आप दही में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल के खा सकते हैं, इसका टेस्ट और बढ़ा सकते हैं। ये वाला चीला विदाउट ऑयल है हमारा, एकदम हेल्दी ऑप्शन वेट लॉस जीरो ऑयल ओट्स चीला, आप इसे इंजॉय करें। सो हमारे दोनों चीले बनके तैयार हैं, ये विद ऑयल और थोड़ी सी पुदीने की चटनी हमने डाली है। ऑयल या घी से जिन्हें परहेज नहीं है वो मज़े लेकर इसे खाएं और इंजॉय करें। सो इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद अंशु अदलखा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ ऑल द एल्डर्स इन हाउस, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।